عاشور اسمه خمسة عشر عشر ईश्वर श्री चिद्भन प्रकाश व्यापक निश्चिता छप्पनवे अंक में कहते हैं साक्षी ब्रह्म ऐक्य विषय आक्षेप। तो साक्षी और ब्रह्म के ऐक्य के विषय में आक्षेप, ये हमने टिप्पण में देखा। टिप्पण बहुत बार क्या है कि टिप्पण थोड़ा मूल से आगे चलती है, तो जो टिप्पण में आता है वो मूल में आएगा, भिन्न पद्धति से आएगा, थोड़ी सहजता से आएगा। तो इसीलिए हमने आक्षेप देखा, थोड़ा समाधान भी देखा। अभी कहते हैं साक्षी ब्रह्म ऐक्य विषय में आक्षेप क्या है। पहला वाला है कि जीव अतिरिक्त साक्षी नास्ति। जो आपने कहा कि साक्षी और ब्रह्म के बीच में हम ऐक्य बता रहे हैं, जीव जो संसारी है उसके और ब्रह्म के बीच में तो ऐक्य हम नहीं बता रहे। जीव जो शरीर से जुड़ा हुआ है, अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, वो संसारी है, उसके और ब्रह्म के बीच में तो अभेद हम नहीं बोल रहे। सिद्धांति ने कहा, सिद्धांति ने कहा कि जो साक्षी है आत्मा, जिसके लिए शरीर उपाधि मात्र है, विशेषण नहीं बनी है, वो साक्षी है। उसका कोई ना कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व है, इसीलिए सुख दुख भोग जो हो रहा है वो साक्षी के लिए नहीं हो रहा है, और उस साक्षी का हम ब्रह्म के साथ ऐक्य बता रहे हैं। तो पूर्व पक्षी क्या कहता है, जीव अतिरिक्त साक्षी नास्ति, जीव से भिन्न कोई साक्षी करके है ही नहीं। जब ये होगा तो आप बताएंगे, चलिए ऐक्य होगा नहीं होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे, किंतु है ही नहीं। और अगर मान भी ले है सत्वे अपि साक्षी नाना इति शंका, अगर साक्षी जीव से भिन्न है तो वो भी एक नहीं है, बहुत है, नाना है, ऐसी शंका उठाते हैं। यदुक्तम सुख दुखादेह अंतकरण धर्मा तच्च अंतकरण अनेकम। तो अभी जो कहा गया है कि सुख दुख क्या है, कि आत्मा का धर्म नहीं है, ये किसका धर्म है, अंतकरण का धर्म है। चलिए अंतकरण का धर्म है, पर अंतकरण तो बहुत है, तच्च अंतकरण अनेकम, बहुत सारे अंतकरण है, जितने जीव है उतने अंतकरण है, और अंतकरण में सुख दुख वृत्ति तो अनेक है, भिन्न भिन्न जीवों के लिए भिन्न भिन्न है, क्योंकि भिन्न भिन्न अंतकरण में भिन्न भिन्न वृत्तियां हैं। तस्माद् एक उपाधिस्थ सुख दुखादयः धर्माः उपाध्यंतर संबंधिनः न भवन्ति। और सिद्धांति ने क्या कहा कि ये जो सुख दुख एक उपाधि में है, अंतकरण में है, दूसरे उपाधि में नहीं है, दूसरे अंतकरण में नहीं है, इसलिए सुख दुख जो धर्म है अंतकरण के, भिन्न भिन्न अंतकरण में भिन्न भिन्न सुख दुख आदि है, इसीलिए उपाधि अंतर संबंधिना न भवन्ति। एक के सुख दुख दूसरे के सुख दुख के साथ मिश्रित नहीं होते। किंतु साक्षी जो है, साक्षी तो सर्व सुख दुखादि साक्ष्य धर्मा संबद्ध एक ही हो। किंतु ये साक्षी कौन है, साक्षी एक ही है, कौन है ये साक्षी, सर्व सुख दुखादि साक्ष्य धर्म जो है। साक्षी साक्षी कब होगा, साक्षी माने जिसके पास साक्ष्य है। राइट क्या क्या साक्ष्य है उसके लिए, साक्षी के लिए सुख दुख आदि साक्षी साक्ष्य है, ये सर्व सुख दुख। साक्षी तो एक ही है जो सभी सुख दुखों का, ना ही एक के अंतकरण के सुख दुखों का, किंतु सभी अंतकरणों के अंतर्गत जो सुख दुख है उसका साक्षी है ये, और वो साक्ष्य बन जाते हैं इस साक्षी के लिए। और ये कौन है, साक्षी असंबद्ध, उनसे संबंध रखता ही नहीं है, किसी के भी अंतकरण के अंदर जो सुख दुख है उससे ये संबंध रखता ही नहीं, साक्षी है। जैसे हमने पहले देखा था, राह में कुछ चल रहा है, तोड़ फोड़ चल रही है, आप उसके लिए साक्षी हो,
आपका कुछ संबंध है उसके लिए? कुछ संबंध नहीं है। तो भी कोई जा रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है बेटा, पिताजी के साथ जा रहा है, देखता है कुछ रुचि है, कुछ हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, देखने चलता है। पिताजी कहते चलो हमें कुछ लेना देना नहीं, चलो आगे बढ़ो। किंतु उसको उसमें क्या है कि कुछ देखना है क्या चल रहा है, बच्चा हो या बड़ा हो उसको देखना है। पर दूसरा क्या हटाता उसको, हमें कुछ लेना देना नहीं है। सच है, कुछ लेना देना है ही नहीं, संबंध तो है ही नहीं, तोड़फोड़ चल रही हो या किसी की प्रशंसा चल रही हो, जो देख रहा है उसका कुछ लेना देना है ही नहीं, साक्षी मात्र है। इसीलिए साक्षी को क्या साक्षी मात्र कहते हैं, उसका कुछ लेना देना नहीं है कर्म से। तो ये सुख दुख भी जो है अंतकरण में हो रहे, उसके साथ जो जुड़ा है कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव से, कि ये भोग मेरा है, मैं भोगता हूं, उसके लिए सुख दुख का संबंध है, उसका संबंध है उसके उसके साथ। साक्षी का संबंध तो है ही नहीं, इसीलिए असंबद्ध एक एव सर्व सुख दुखादि साक्ष्य धर्म असंबद्ध, ये उससे हटा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है, और वो एक है ये साक्षी। तस्य च ब्रह्मणा ऐक्यम वक्तुम शक्यते एव इति। और इसीलिए आपने कहा कि इस साक्षी का तो ब्रह्म के साथ ऐक्य हो जाएगा। तन्न, पूर्व पक्षी कहता है ये तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म विशिष्ट जीवातिरिक्त साक्षी सत्वे प्रमाणा भावात्। ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है, प्रमाण का अभाव है, कोई प्रमाण तो दिखाइए, कौन साक्षी है ये? जीव से हटकर कोई साक्षी तो बताइए पहले, उसके लिए क्या प्रमाण है ही नहीं। साक्ष्य अंगीकार पक्षे अपि, और साक्षी अगर मान भी ले, अंगीकार पक्ष माने चलिए मान भी ले, अभ्युपगंतवाद कर कहते हैं इसको, कहते हैं अभ्युपगमवाद, कि हम नहीं मानते, किंतु आप अगर ऐसा ही मानते तो भी ऐक्य सिद्ध नहीं होगा। अगर साक्षी मान भी ले तो भी ऐक्य सिद्ध नहीं होगा करके बतला रहे। क्यों? क्योंकि नाना हो जाएंगे, एक तो साक्षी होगा नहीं। पहले तो आप साक्षी जीव से भिन्न दिखलाइए, उसके लिए प्रमाण दीजिए। अगर आपने कोई तो उपाय करके सिद्ध कर दिया कि साक्षी करके है, तो साक्षी एक सिद्ध नहीं कर पाएंगे, नाना हो जाएंगे। साक्षी अंगीकार पक्षी अपि क्या सह एक इति अभ्युपगंतुम न शक्यते। एक साक्षी मानना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि साक्षी एक सिद्ध नहीं होगा। अगर साक्षी जीव से भिन्न सिद्ध होगा तो भी, किंतु अनेके साक्षिण इत्येव युक्तम, क्योंकि साक्षी तो अनेक ही हो जाएंगे, ये युक्त है, ये ठीक है। तथा ही कैसे ठीक है बताते, तथा ही अंतकरण तद्धर्म सुख दुखादयच्च न अंतकरणेन न वा इंद्रियेण विषयी क्रियन्ते। पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहा है कि ऐसे क्यों कह रहा है, वो बतला रहा है, विश्लेषण कर रहा है कि अंतकरण तद्धर्म सुख दुखादयच्च ना न अंतकरणेन न वा इंद्रियेण विषयी क्रियन्ते। अभी देखिए अंतकरण क्या है, जिन्होंने तत्वबोध इत्यादि पढ़ा है, अंतकरण क्या है? अंतकरण सूक्ष्म है किंतु महाभूत का ही कार्य है, पंच महाभूत के कार्य है। सभी पंच महाभूतों से का जो सूक्ष्म अंश है, वो भी सत्व, उसमें सत्व अंश, उससे अंतकरण बना है। और इंद्रिय क्या है? इंद्रिय, एक-एक इंद्रिय एक-एक महाभूत से बने हैं, सूक्ष्म उससे बने हैं, महाभूत तो सूक्ष्म ही है। पंची करण से पहले जो है, उन महाभूतों से जो इंद्रिया बनी है, वो इंद्रिया किसको विषय करती है? जिस महाभूत से बनी है उस महाभूत के गुण को, धर्म को विषयी करती है वो इंद्रिय। वो इंद्रिय विषय करता, दूसरा इंद्रिय उसको विषय नहीं कर पाता। और ये इंद्रिय भिन्न भिन्न माने अपने कारण महाभूत के गुण से हटकर जो महाभूत है उनके गुणों को विषयी नहीं कर पाता। माने उदाहरण के रूप में देखिए, श्रोत्रेंद्र किससे बना है? आकाश से बना है। आकाश का गुण है शब्द, तो श्रोत्रेंद्रिय शब्द को विषय बना सकता है, किंतु बाकी किसी को विषय नहीं बनाता है। श्रोत्रेंद्रिय से रूप का ग्रहण नहीं हो सकता। और इसीलिए अभी छांदोग्य में भी क्या है कि जहां त्रिवितकरणों की चर्चा हुई है, तीन महाभूत के चर्चा हुई है, वहां पे भी क्या है कि
इनको देवता बतलाया गया। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म से महाभूतों की उत्पत्ति हुई, पंच महाभूतों की, और पंच महाभूतों को देवता करके कहा गया है छांदोग्य में, तीन को कहा गया, और उसके बाद तैतरीय को जोड़े तो पांच आ जाएंगे तैतरीय उपनिषद में जो कहा है। किंतु देवता क्यों कहा गया? देवता को क्या था कि अपना ग्रहण कोई करे, इसलिए इंद्रियों की उत्पत्ति उनसे हुई। देवताओं ने, पंच महाभूत देवताओं ने तत्त्व इंद्रियों का निर्माण क्यों किया? क्योंकि उनके गुणों को देख पाए। भविष्यां प्रजायति करके जो संकल्प था भगवान का, ईश्वर का, कि मैं बहुत हो जाऊं, अगर बहुत हो जाऊं कोई ग्रहण ही नहीं करे तो बहुत है, इसके लिए भी कोई प्रमाण नहीं है, और बहुत होने का कोई लाभ भी नहीं हुआ। इसीलिए क्या है कि मैं अपने आप व्यवहार होना चाहिए। अगर लीला करके भी देखें, कहीं और लीला करके कहते हैं, वो भी क्या कहते हैं कि खेल लीला जो है उसमें भी क्या है कि दूसरे के साथ खेलेंगे तो अधिक आनंद आएगा, अपने आप से तो नहीं खेलेंगे, दूसरे के साथ खेलेंगे। इसीलिए क्या है कि ये बहुत सारे जो बने हैं, अगर लीला भी मान ले तो भी क्यों बने कि व्यवहार हो पाए, ग्रहण हो पाए इंद्रियों से, इसीलिए इंद्रियों का निर्माण हुआ। तो इसीलिए क्या कह रहे, अंतकरण जो है, अंतकरण तो सभीों को विषय कर पाता है, क्यों? क्योंकि वो सभी महाभूतों से बना है। इंद्रिय क्या है? तत्त्व कारण गुण को ही, महाभूत कारण गुण को ही विषय कर पाती है। तो अभी देखिए, तथा ही अंतकरणम तत्धर्म सुख दुखादेश, अंतकरण और अंतकरण, तत्से अंतकरण, अंतकरण का धर्म क्या है? सुख दुख इत्यादि, बाकी भी आ जाएंगे उसमें, लोभ मोह इत्यादि, ईर्ष्या जो भी है। न अंतकरणेन न वा इंद्रियेण विषयीकृत्य। अभी अंतकरण जो है वो क्या है? वो भी महाभूत का कार्य है, और उसके अंदर जो अंतकरण के धर्म है वो क्या है? वृत्तियां जो है वो भी क्या है कि अंतकरण का ही परिणाम है। वृत्ति सुख दुख आदि जो है वो अंतकरण का ही परिणाम है। तो अभी अंतकरण अपने आप को विषय कर पाएगा क्या? अंतकरण अपने आप को विषय नहीं कर पाएगा, कर्तृकर्म दोष आ जाएगा, कर्ता कर्म नहीं बन सकता, व्याकरण कर्म। माने देखिए, उसके लिए उदाहरण देते, हम अपने कंधों पर बैठकर नहीं चल सकते। आप योगासन में अगर बहुत ही आगे बढ़ चुके हो, उत्कृष्ट योगासन कर सकते हो, तो अपने कंधों पे पैर तो डाल सकते हो, किंतु चल सकते हो क्या उन पैरों से? अपने ही पैरों से चलकर अपने कंधों पर खड़े होकर चल सकते हो क्या? नहीं चल सकते। तो इसीलिए कर्तृ कर्म विरोध आ जाता है कि कर्ता और कर्म भिन्न होना चाहिए। जो करता है वो कर्म नहीं बन सकता। अभी कहेंगे तो उसके लिए उदाहरण देता है पूर्व पक्षी, कहता है कि मैं अपनी पीठ थपथपाता हूं या सर पर पीटता हूं तो अपने आप को छू तो रहा हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि एक अंग है हाथ और दूसरा अंग है सर, ये दो अंग में भेद आ गया, इसीलिए हाथ सर को, हाथ कर्ता बन गया और सर कर्म बन गया। मैं न कर्ता हूं न कर्म हूं उसमें, तो हाथ जिसके साथ मैं जुड़कर कर्ता बन रहा हूं और सर जिसके साथ मैं जुड़कर कर्म बन रहा हूं, उन दोनों में भेद है। हाथ और कर्म अंग भेद से कर्ता और कर्म भेद में भेद हो गया, इसीलिए भिन्न होने के कारण एक ही अंगी में अंगों का कर्तृ कर्म भाव हो सकता है, किंतु एक ही व्यक्ति बिना अंगों के कर्ता और कर्म नहीं बन सकता। तो इसीलिए कहते हैं अंतकरण जो है उसी अंतकरण को विषय नहीं कर पाएगा, कर्तृ कर्म विरोध हो जाएगा। और न अंतकरणेन न वा इंद्रियेण, क्या इंद्रिय अंतकरण को विषय बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि इंद्रिय क्या है कि बाह्य जाती है और अंतकरण भीतर है, अंदर है, तो इंद्रिया जो बाहर जाती है वो भी अंतकरण को विषय नहीं बना पाती। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा क्या है? तद्धर्म, अंतकरण ही सुख दुख इत्यादि वृत्तियों में परिणमित हो रहा है। जिन्होंने वेदांत परिभाषा इत्यादि का अभ्यास किया है या किसी और इसमें
प्रकरण में अगर पढ़ा है तो क्या है कि अंतकरण की वृत्तियां अंतकरण ही है, तो उसके जो वृत्तियां हैं सुख दुख इत्यादि वो भी अंतकरण द्वारा विषय नहीं बनती और ना ही इंद्रिय द्वारा विषय बनती है। किंतु तो कैसे विषय हो जाते हैं, हम तो जानते हैं कि मैं सुखी हूं दुखी हूं ये तो मैं जानता हूं, इसीलिए विषय तो बन रहे हैं सुख दुख, और अंतकरण भी विषय बन रहा है। कैसे विषय बन रहा है कि मेरा मन ठीक है नहीं है, आज ठीक है कल ठीक नहीं था परसों पता नहीं क्या होगा, ऐसे जो विचार चलता है ये कैसे विचार चलता है, क्योंकि अंतकरण विषय तो बन रहा है, किसका विषय बन रहा है। तो कहते हैं किंतु साक्षिणा एव वेदांत सिद्धांत, साक्षिणा एव इति वेदांत सिद्धांत, साक्षिणा एव इति किम, साक्षिणा एव विषयी क्रियन्ते इति वेदांत सिद्धांत। वेदांत सिद्धांत क्या है कि साक्षी विषय करता है, विषय बनाता है किसको, अंतकरण को भी और अंतकरण के वृत्तियों को। इसीलिए सुख दुख कैसे जाना जाता है, साक्षी जानता है ना कि अंतकरण या इंद्रिय। साक्षिणश्च एकत्वे यदा एक अंतकरणस्थ सुख दुखादेह साक्षिणा विषयी क्रियन्ते तदा सर्व अंतकरणगत दुख सुख दुखादेह अपि विषयी क्रियेरन। तो पूर्व भी कह रहा है वेदांत का सिद्धांत तो ऐसा है, आप मानते हैं साक्षी विषय बनाता है अंतकरण और सुख दुख को, तो सुख दुख अगर एक अंतकरण में है दूसरे अंतकरण में नहीं है, दूसरे अंतकरण में एक अंतकरण में सुख है दूसरे अंतकरण में दूसरे के अंतकरण में दुख है, एक ही अगर साक्षी होगा उसको भी विषय बनाएगा इसको भी विषय बनाएगा तो क्या होगा, तदा सर्वांतकरणगत सुख दुखादे अपि विषय क्रियेर, सभी अंतकरण के सुख दुख विषय बन जाएंगे उस साक्षी के लिए अगर एक होगा तो। अगर साक्षी विषय बना रहा है तो आपको कहना पड़ेगा कि भिन्न भिन्न साक्षी है उनको भिन्न भिन्न सुख दुख विषय बन रहे हैं उनके लिए। तथा अनुभव अभावात एव अनेके साक्षिण इति अभ्युपगंतव्यम्। अगर आप साक्षी मान भी ले जैसे वेदांत सिद्धांत है आपको अनेक मानना पड़ेगा, क्योंकि एक अंतकरण में जो साक्षी ये सुख दुख जानता है उसका अनुभव ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे अंतकरण के सुख दुख भी जानता हूं, उसको दूसरे अंतकरण की वृत्तियां नहीं समझती। नच विषय क्रियरन तथा अनुभव अभावाद एव अनेके साक्षिण अभ्युपगंत। मानना पड़ेगा आपको कि आपको वेदांती को मानना पड़ेगा सिद्धांती को, पूर्व पक्षी कह रहा है कि बहुत सारे साक्षी है नाना साक्षी है। न च अस्ति अस्मिन् पक्षे कोऽपि दोषः, इस पक्ष में कोई दोष नहीं है, कहता क्या है यस्य साक्षिणे अंतकरणम् उपाधि तदंतकरणगता एव धर्माः तेन साक्षिणा विषयी क्रियेरन न अन्य उपाधिगता। और साक्षी नाना मान ले तो क्या होगा, देखिए उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस साक्षी को सुख दुख किसी अंतकरण का पता चल रहा है उसके दूसरे का नहीं पता चल रहा, क्योंकि वो एक साक्षी है दूसरा साक्षी दूसरा है, ऐसे जिस अंतकरण से जुड़े साक्षी है वो भिन्न हो गए। एवं च साक्षिण अनेकत्वात् न तेषाम एकेन ब्रह्मणा ऐक्यम युज्येत, एक ही ब्रह्म है उसके साथ सभी साक्षियों का ऐक्य तो नहीं हो पाएगा। अगर ब्रह्म नाना होते तो आप कहते इस साक्षी का उस ब्रह्म के साथ ऐक्य है दूसरे साक्षी का दूसरे ब्रह्म, वैसा तो नहीं है, ब्रह्म एक है और आपके पास क्या है कि साक्षी इतने सारे पड़े हैं कैसे ऐक्य करेंगे, नहीं हो पाएगा, कह रहा है पूर्व पक्षी। अंतकरण से 57 में कह रहे अंतकरण से इंद्रिय अविषयत्व, अंतकरण इंद्रिय का विषय नहीं है, इसका विस्तार करते हैं इंद्रियाणि पंचीकृत भूत तत्कार्याण्येव विषयी कुर्युः। इंद्रिय तो क्या है कि गुणों को विषय बनाते हैं पंचमहाभूत के, किंतु पंचीकृत जो है उनको विषय बनाते हैं, पंचीकरण से पहले जो है उसको विषय नहीं बना सकते, शब्द पंचीकृत जो होगा उसको वैसे आकाश का ही जो गुण है उसको विषय बनाएगा श्रोत्रेंद्रिय। चक्षुरेंद्रिय भी किस रूप को देखता है, उस रूप को देखता है जो पंचीकृत है, माने बाकी महाभूतों के साथ जुड़ा हुआ है, जो स्थूल है सूक्ष्म नहीं है स्थूल है, स्थूल प्रपंच बन चुका है उसके बाद ही विषय बनाएगा। अत्र अपि अस्ति वक्षमाण रीत्या भेदा, इसमें भी कुछ भेद बतलाना चाहिए आगे बताएंगे। चक्षुरिंद्रियम नील पीतादि वर्ण
युक्त घटादि निष्ठ नैल्यादि रूपम तद आधारभूत घटादि च विषयी करोति। अभी इंद्रियों में भेद बता रहे कि कैसे इंद्रिया काम करती है। यह थोड़ा सूक्ष्म है, समझिए। मोटा मोटा क्या है कि देखिए, चक्षुर इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय ये बाहर जाते हैं, चक्षुर इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय विषय की ओर बाहर जाते हैं। विज्ञान की ओर से मत देखिए, वेदांत का सिद्धांत ऐसा है, चक्षुर इंद्रिय विषय तक जाती है, मन को लेके जाती है, वृत्ति वहीं बनती है और मन वहां, इसलिए मन की वृत्ति वहां बनती है, उससे अज्ञान हट जाता है और जो प्रतिबिंबित आत्मा है उससे प्रकाश भी हो जाता है, उसको फल व्याप्ति कहते हैं। वृत्ति व्याप्ति से अज्ञान चला जाता है और फल व्याप्ति से प्रकाशित हो जाता है और उसके बाद घटम अहम जानामी ऐसे वृत्ति होती है, मैं घट को जानता हूं। तो ये वैसे ही श्रोत्रेंद्रिय भी बाहर जाकर, हाँ ये शब्द समझ में आ रहा है, यहां से आया वहां से आया, हमें ये दिशा क्यों पता चलती है, कान के अंदर नहीं हो रहा है, वृत्ति बाहर बन रही है, अंतकरण वहीं पर है उस देश में, इसीलिए हम कह सकते हैं। अगर देखिए धमाका हुआ, अगर कोई धमाका हुआ, पटाखा फोड़ा या कुछ हुआ, या बाजा बज रहा है, चलिए बाजा बज रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं और ढोल बज रहा है कहीं, आप खिड़की बंद करते हैं, कौन सी खिड़की बंद करते हैं, जिस दिशा से आ रही है उस आपको पता है इस दिशा से आ रही है, कैसे पता इस दिशा से आ रही है, और ये भी अंदाज लग जाता है कि हमारे यहाँ पास में है या बहुत दूर से, अंदाज तो लग जाता है। कैसे अंदाज लगता है, अगर कान में, अगर बहुत दूर से आकर कान में अगर आवाज हो रही है तो छोटी आवाज है, और अगर छोटी आवाज घर के बाहर ही बन रही है, उतनी छोटी आवाज है, तो कैसे पता चलेगा कि घर के बाहर छोटी आवाज है या बहुत दूर से कोई बड़ी आवाज छोटी बनकर आ रही है, पता तो चल जाता है। कैसे पता चल, क्योंकि अंतकरण वहां जाता है, ये वेदांत का सिद्धांत है। तो ये अंतकरण वहां जाता है, श्रोत्रेंद्रिय ले जाता है और बाकी तीन इंद्रियां जो है वो अपने स्थान से, गोलक से नहीं हटती। जैसे रसन इंद्रिय है, जिह्वा में ही रहती है, इसीलिए वो बाहर नहीं जाती। तो अगर हम देख ले कोई पदार्थ है तो मीठा है या तीखा है देखकर नहीं बता सकते, चखना पड़ेगा। इसीलिए क्या है कि वो पदार्थ जब ही रसन इंद्रियों को लगता है, जिह्वा को लगता है, तब जाकर हमें रसन ग्रहण संभव है हमारे लिए। वैसे ही जो घ्राणेन्द्रिय है, कोई सुगंध है, दुर्गंध है, ये कैसे पता चलता है, तो क्या होता है, कहीं दूर वस्तु है ना, इंद्रिय वहां जा रही है और पदार्थ तो वही है, तो तर्क संग्रह इत्यादि अगर आपने देखा होगा तो वहां पे क्या कहते हैं कि उन उन पदार्थों का जो गंध है कैसे पहुंचता है, पदार्थ छोटे छोटे जो अंश है, अणुभूत जो है वो नाक तक पहुंच रहे, उसके बाद हम वो गंध ग्रहण कर पा रहे हैं। इसीलिए क्या है कि पदार्थ पहुंचते हैं, सूक्ष्म जो अंश है वो पहुंच रहे, सभी के इंद्रियों में पहुंच रहे, नाक में पहुंच रहे, इसलिए हमें वो ग्रहण करना संभव हो जाता है। बचा क्या, त्वगेंद्रिय। त्वगेंद्रिय जो है वो भी क्या है कि जब ये त्वगेंद्रिय को विषय के साथ स्पर्श हो जाते हैं, तब जाकर स्पर्श पता चलता है कैसा है। इसीलिए क्या है कि त्वगेंद्रिय भी बाहर नहीं जाता, पदार्थ के साथ जब ही जुड़ जाता है तब जाकर इंद्रिय ग्रहण कर लेता है। तो ये एक भेद है। दूसरा क्या भेद है कि गुण मात्र पता चल रहा है या पदार्थ भी पता चल रहा है, तो उसमें अभी भेद बता रहे। चक्षुर इंद्रियम नील पीतादि वर्ण युक्त घटादि निष्ठ नैल्यादि रूपम तद आधारभूत घटादि च विषय करो। तो चक्षुर इंद्रिय क्या करता है, देखिए इंद्रिय नील पीतादि जो वर्ण है कि नीला है पीला है इत्यादि वर्ण है, किसका है, घटक है। तो घटक क्या है, पदार्थ है, उसके अंदर अभी घटक जो पदार्थ है उसके अंदर गुण है कुछ, तो घटक एक वस्तु है उसके अंदर के गुण, अभी चक्षुर इंद्रिय घटक देखता है या उसका रूप नील है पीत है देखता है, दोनों देखता है, इसीलिए क्या कहते हैं घटक घटादि निष्ठ नैल्यादि रूप, नील पीतादि वर्ण है और वो किसमें है युक्त है, किसमें युक्त है, घटक इत्यादि, तो घट में जो रंग है नैले इत्यादि वो घट के घट में निष्ठ है, घटादि निष्ठ है, वस्तु के अंदर गुण है। तो ये रूप तद आधारभूत है, रूप के साथ क्या है, तद आधारभूत घटादि, वस्तु को भी विषय बना रहा है।
चक्षुरिंद्रिय घट को भी देख रहा है और घट के अंदर जो रूप है उसको भी देख रहा है, नीला है पीला है वो भी समझ में आ रहा है, घट है करके भी जानता हूं और नीला घट है नील भी देख रहा हूं, पीला पीला रंग भी देख रहा हूं। इसीलिए क्या है कि चक्षुरिंद्रिय के दोनों विषय बन रहे, वस्तु और गुण। त्वगिंद्रियम अपि स्पर्शम तद आश्रयम च उभयम विषय करो। और त्वगिंद्रिय क्या है, अगर मैं स्पर्श कर रहा हूं किसी को, अगर घटक का स्पर्श कर रहा हूं तो क्या है कि क्या समझ में आता है, ये घटक ऐसा है समझ में आ रहा है, घट है तो क्या है कि आश्रय जो है उसका स्पर्शम त्वगिंद्रियम अपि स्पर्शम, स्पर्श कैसा है ये कि देखिए फोटो कहते हैं कि क्या उसका है, तो उसका टेक्सचर क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है कि पानी को हाथ लगा रहा हूं कि पत्थर को हाथ लगा रहा हूं, ये समझ में आता है, अगर देखूंगा नहीं तो भी समझ में आता है क्या क्या है करके। इसीलिए स्पर्श क्या है, स्पर्श तदाश्रयं च उभयम्, वस्तु भी समझ में आ रहा है और उसका गुण स्पर्श कैसा है कि मृदु है कि कठोर है, ये समझ में आ रहा है दोनों, इसीलिए दोनों विषय बनाता है त्वगिंद्रिय। जिह्वा घ्राण श्रवणानि, बाकी तीन इंद्रिय जो है, जिह्वा जो रसना समझ में आता है रस, और घ्राण इंद्रिय जिससे क्या है कि गंध समझ में आता है, श्रवण इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय जिससे शब्द समझ में आ रहा है, ये कौन सी वस्तु है उसको विषय बनाती है क्या, ये तीन इंद्रिया। तो जिह्वा घ्राण श्रवणानि तु त्रीणी इंद्रियाणि वस्तु आश्रित रस गंध शब्दान्येव क्रमाद विषयी कुर्वन्ति न तु तद आश्रय द्रव्यम्। द्रव्य जो है वस्तु जो है उसका ग्रहण ये तीन नहीं कर पाती, जैसे आग बंद करो और कुछ खिलाता हूं किसी ने कह दिया कि मुंह खोलो आंख बंद करो और बताओ क्या है, चलिए मीठा है तो समझ में आता है पर क्या है समझ में नहीं आता है, क्या है कैसे समझ में आता है, नहीं समझ में, द्रव्य कौन सा है वो नहीं मालूम पड़ता, वो पता नहीं चलता, इसीलिए क्या रसन ग्रहण कर पा रहा है रसन इंद्रिय किंतु वस्तु क्या है द्रव्य को ग्रहण नहीं कर पाता। वैसे ही घ्राण इंद्रिय भी क्या है कि अगर किसी को बोले आंख बंद करके सूंघ कर बताओ क्या है, और क्या है कि फूल सूंघा दिया या तो उससे जो अगर अत्तर इत्यादि बना है वो सूंघा दिया, पता नहीं चलेगा कि फूल है कि परफ्यूम है, इसीलिए क्या है कि गंधे गंध भी केवल गंध का ग्रहण कर रहा है घ्राण इंद्रिय, शब्द का भी है, अगर शब्द सुनाई दिया तो शब्द किससे आया, ढोल पीटा है कि ढोल का रिकॉर्डिंग, ये समझ में नहीं आता, तो इसीलिए क्या है कि द्रव्य का ग्रहण नहीं होता इन इंद्रियों से, गुण का गुण मात्र का ग्रहण होता है, ये भेद बना दिया। ये क्यों बना रहे, क्योंकि अभी बतलाएंगे कि कैसे अंतःकरण इंद्रियों का विषय नहीं बनता, सुख दुख आदि इंद्रियों का विषय नहीं बनता, तो कह रहे अतः एव एतत्, ये जाने से पहले एक बार ये एक न न न तो तर आश्रय द्रव्यम, तो यहाँ पे एक टिप्पण है एक पर ये देख लेते एक बार, तथा ही रसाद्याश्रय द्रव्यम चक्षुषा वा त्वचा वा विषयी भवति न तु जिह्वा देहे। और वैसे क्या है रसा रस इत्यादि का आश्रय द्रव्य जो है वो चक्षु या त्वक का विषय बनता है, जिह्वा का विषय नहीं बनता, ये क्या कह रहे हैं रसाद, तो ये द्रव्य कैसे समझ में आता है रस, अगर ये मीठा है अगर पता चल गया तो क्या कौन सा द्रव्य कैसे पता चलता है, या तो देखने से पता चलेगा या तो हाथ लगाने से पता चलेगा, स्पर्श से पता चलेगा कि क्या खाया है क्या खा रहा हो, रस तो समझ में आ रहा है किंतु द्रव्य वस्तु कैसे समझ में आएगा, क्या है एक पदार्थ देखने से समझ में आएगा। तथा ही माधुर्याद्य आस्वादने जिह्वया माधुर्यादि गुण एव गृह्यते न तदाश्रय द्रव्यम तच्च त्वगेन्द्रियेण एव गृह्यते। और वैसे ही क्या कहते हैं कि रसन इंद्रिय से जो है वो अगर मधुर इत्यादि अगर गुण समझ में आ रहा है किंतु उसका द्रव्य क्या है आश्रय जो है उसका द्रव्य वो त्वगेन्द्रिय से पता चल जाता है, वो भी कहाँ जो जिह्वा है, जिह्वा में तो रसन है रसन इंद्रिय है किंतु वहां पे त्वक भी जो है उससे मृदु है इत्यादि तो समझ में आता है कि क्या खा रहा हूं ये मृदु है, बिना देखे कैसे समझ में आता है, वहां पे त्वगिंद्रिय भी काम कर रहा है, त्वगिंद्रिय भी जिह्वा जब ही मुंह में आपने कुछ पदार्थ रख दिया खा रहे हैं वो अगर कठिन है कठोर है या मृदु है तो समझ में आ रहा है, क्यों त्वगिंद्रिय से समझ में आ रहा है न तो रसन इंद्रिय से,
तो रसन इंद्रिय से जिह्वा से जो रसन इंद्रिय उससे क्या समझ में आ रहा है, केवल मधुर है या कटु है इत्यादि समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, ये तो थोड़ा विस्तार कर दिया। आगे क्या, तो मूल में कहते हैं अतएव एतत् त्रयेण अपि इंद्रियेण अंतरम अंतकरण विषयी क्रियते। इंद्रियेण अंतरम, इंद्रिय को से हटकर क्या है, अंतकरण है। ये अंतकरण इन तीनों का विषय नहीं बनता क्योंकि क्या आश्रय भूत है। तो बता लिया कि तीन जो है इंद्रिय जो केवल गुण मात्र को समझ सकती है, वो तो इन अंतकरण को जो आश्रय गुणों का आश्रय धर्म का आश्रय है अंतकरण, उसको तो विषय नहीं बना पाएंगे, ये सिद्ध हो गया। अभी क्या है कि चक्षुर इंद्रिय और जो त्वगिंद्रिय है, त्वगिंद्रिय और चक्षुर इंद्रिय वो आश्रय का भी ग्रहण करती है, तो उनसे अंतकरण का ग्रहण क्यों नहीं हो पाएगा। अगर सिद्धांती पूछे तो पूर्व पक्षी कहता है तथैव न चक्षुषा त्वचा च अंतकरण विषयी क्रियते। क्यों क्यों त्वगिंद्रिय और चक्षुरिंद्रिय वस्तु को जो विषय कर पाती है, वो इंद्रिय क्यों अंतकरण को विषय नहीं बना पाएंगे आश्रय को। यथा बाह्य पंचीकृत भूतानि तत्कार्यं रूपाश्रयं स्पर्शाश्रयं वा वस्तु चक्षुषा त्वचा च विषयी क्रियते। क्योंकि त्वगिंद्रिय और चक्षुरिंद्रिय जो विषय बनाती है द्रव्य को, वस्तु को, वो भी किन वस्तु को बनाती है, जो पंचीकृत बाह्य है उनको विषय बनाती है, किंतु वैसे द्रव्यों को ही वस्तुओं को विषय बनाती है, किंतु त्वगिंद्रिय और चक्षुरिंद्रिय अंतकरण जो अंदर है उसको विषय नहीं बना पाती, भले ही वो आश्रय हो धर्मों का गुणों का। अंतकरणं तु अपंचीकृत भूत कार्यत्वात् नेत्र त्वचोः न विषयी भवति। नेत्र चक्षुरिंद्रिय और त्वगिंद्रिय त्वचा, उसका विषय क्यों नहीं बनता अंतकरण, कि अंतकरण बाह्य भी नहीं है, अंत अंत है, अंत करके शब्द है करण में, अंतकरण अंदर है, और क्या है कि अपंचीकृत महाभूतों का कार्य है, पंचीकृतों का कार्य नहीं है। इसीलिए क्या है कि पंचीकृत इंद्रिया जो पंचीकृत विषय को ग्रहण कर पाती, इंद्रिया और अंतकरण भी वो अंतकरण को ग्रहण नहीं कर पाएगा। अतः एव अपंचीकृत भूत कार्यम नेत्रेन्द्रियम अपि नेत्रेन्द्रियेण न विषयी क्रियते। इसीलिए क्या है कि चक्षुरिंद्रिय भी किस किस वस्तु का ग्रहण करती है, जो पंचीकृत है, अपंचीकृत वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाती, बाह्य वस्तुन्येव सर्वेन्द्रियाणां विषयी भवति। और क्या है कि बाह्य तो दो हो गए, एक तो क्या है कि बाह्य होना चाहिए और पंचीकृत वस्तु होना चाहिए, तब जाकर इंद्रिया ग्रहण कर पाती है। इंद्रिय अंत जो है अंदर है और अपंचीकृत है, वैसे वस्तुओं का ग्रहण नहीं कर पाती। इंद्रिया अपेक्षा आंतरत्वाद अंतकरण न इंद्रियाणां विषयी भवति। तो क्या कह दिया इन्होंने, आंतरत्वाद ये हेतु बन गया, इंद्रियों की अपेक्षा से अंतकरण अंदर है, इसीलिए क्या है कि इंद्रियों का विषय नहीं बनता, इंद्रियाणाम विषयी न, यहाँ पे क्या कि न न इसके साथ न विषयी भवति, इंद्रियों का विषय अंतकरण नहीं बनता क्योंकि अंतकरण अंदर है बाहर नहीं है, इंद्रिया अंतकरण से बाहर है। तो ये हो गया कि कोई भी किसी का विषय बनाने के लिए उससे बाह्य होना चाहिए, किसी भी एक करण का दूसरा अगर विषय बन रहा है वो विषय उसके बाहर होना चाहिए, ये सिद्ध हो गया, ये एक नियम जैसे हो गया। आगे हाँ 58 में कहते हैं अंतकरण से स्ववृत्त विषयत्व। ठीक है, अंतकरण अपने वृत्तियों को क्यों नहीं जान पाता, ये तो संभव होना चाहिए ऐसे अगर कहें तो। कहते किंच अंतकरण न स्ववृत्तेरपि गोचरी भवति। ऐसे उल्टा बताया मैंने, अपने वृत्तियों से अंतकरण क्यों नहीं जान पाते, वृत्ति से तो अंतकरण, वृत्ति से तो आप कहते ब्रह्म भी वृत्ति से जाना जाता है, ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, तो अंतकरण की वृत्ति का विषय नहीं बन पाएगा, अंतकरण तो वृत्ति का विषय बनना चाहिए, आप साक्षी को क्यों ले आते हैं। तो तभी कहते किंच अंतकरण न स्ववृत्ते अपि गोचरी भवति, कि अंतकरण भी अपने स्ववृत्ति स्व से अंतकरण, अंतकरण भी अंतकरण वृत्ति से
गोचर नहीं होगा, विषय नहीं बनेगा। अंतकरणस्य वृत्त्याश्रयत्वात् न तत्स्वाश्रित वृत्तेः विषय भवितुम् अर्हति। क्या कारण है? कहते हैं कि वृत्ति का आश्रय तो अंतकरण है, तो अपने आश्रय को ही वृत्ति कैसे देखेगी? अंतकरणस्य वृत्त्याश्रयत्वात्, वृत्ति पर आश्रित है, वृत्ति अंतकरण पर आश्रित है, तो तत्स्वाश्रित वृत्तेः विषय भवितुम् न अर्हति। तो ये न, यहां पे जो न है वो तिंगंत के साथ जाएगा, न अर्हति। ये संभव नहीं है कि अपने आधार को ही वृत्ति, अपने आश्रय को ही वृत्ति देख ले, ये नहीं हो सकता, विषय नहीं बन पाता। जैसे उसके लिए क्या कारण है, उदाहरण से समझाते हैं। अरे ऐसे कैसे होगा, क्यों नहीं हो सकता? आप तो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, कि ये अर्ह नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, दो तो समझाइए। तो उसको कहते हैं यथा अग्न्याश्रिता दाह शक्ति स्वाश्रय अतिरिक्त इंधन आदि एव विषय करोति। जैसे अग्नि है, अग्नि में दाह शक्ति है, अभी दाह शक्ति का आश्रय कौन है? अग्नि है, अग्नि आश्रय दाह शक्ति का। तो दाह शक्ति अग्नि को जलाती है क्या? अग्नि को नहीं जला सकती, अग्नि को ही नहीं जला सकती ना। तो कहते हैं कि किसको जलाती है ये दाह शक्ति? अग्नि आश्रिता है, स्त्रीलिंग है, इसलिए दाह शक्ति जो है, जो जलाने की शक्ति है, वो क्या है कि अग्नि के अग्निनिष्ठ है, अग्नि पर आश्रित है। तो स्व आश्रय, स्व आश्रय में दाह शक्ति आश्रय, आश्रय अतिरिक्त, अपना आश्रय तो क्या है दाह शक्ति का? अग्नि है। उसका अतिरिक्त क्या है? ईंधन। ये कोई काष्ठ है, उसको जलाना है, लकड़े को जलाना है, तो लकड़ा जला सकते। क्यों? क्योंकि लकड़ा दाह शक्ति का आश्रय नहीं है, दाह शक्ति का आश्रय अग्नि है। अग्नि से भिन्न जो है, आश्रय से, अपने आश्रय से जो भिन्न है, उसको जला सकती है। एव विषय करोती, उसको विषय बनाती है। प्रकाश भी जलाना, ऐसा दाह शक्ति कह रहे, इसलिए हम जलाना कह रहे। प्रकाश भी अब ऐसे कहेंगे, अग्नि का प्रकाश अग्नि को प्रकाश प्रकाशित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अग्नि का प्रकाश अग्नि को कहां प्रकाश कर सकता है? आश्रय उसका। तथा अंतकरण वृत्तिरपि स्वाश्रय अंतकरण व्यतिरिक्तम एव वस्तु विषयी कुर्यात्। इसीलिए क्या है कि अंतकरण की वृत्ति का आश्रय अंतकरण, इसीलिए अंतकरण को विषय नहीं बना पाती। ये उदाहरण से समझा दिया। तस्माद अंतकरण नैव स्ववृत्तेः विषयी भवति, इसीलिए अंतकरण अपने ही वृत्ति का विषय नहीं बनता। इसीलिए वृत्ति के द्वारा तो अंतकरण नहीं जान पाएंगे। उस पर एक टिप्पण है, कहते हैं उस पर एक पूर्व पक्षी आक्षेप करता है, ननु अंधकार आवृतम गृहम यथा अंधकार अंधकार से आश्रय विशेष भवति यथा वा चैतन्यम एकमेव स्व अज्ञान से आश्रय विशेष भवति एवमेव अंतकरण अपि स्ववृत्ते आश्रय विशेष कुतो न स्यात् इति चेत्। सिद्धांती कहेगा न, पूर्व पक्षी कहता आपने एक उदाहरण दे दिया दाह शक्ति अग्नि की, अपने आश्रय अग्नि को दहन नहीं कर पाती, पर हम आपको दूसरा उदाहरण देते, वैसा क्यों नहीं संभव है कि अंतकरण की वृत्ति, अंतकरण अपना आश्रय होते हुए भी विषय बना ले? तो अंधकार आवृतम गृहम, कि देखिए घर में अंधेरा है, अंधकार है, अंधेरा है, तो अभी घर क्या कह रहे हैं हिंदी भाषा में भी, क्या कह रहे? घर में अंधेरा है, ये में क्या है? सप्तमी अर्थ में। तो अंधकार का आश्रय को क्या बन रहा है? ग्रह बन रहा है, घर बन रहा है। तो यथा अंधकार से आश्रय, तो अंधकार का आश्रय ग्रह बन गया, घर बन गया, और उसका विषय भी अंधकार का क्या विषय कहेंगे? अंधेरे में अपना घर भी नहीं दिख रहा है, अंधेरे का आश्रय अपना घर ही है, और अपना घर अंधेरे से नहीं दिख रहा है, इसीलिए नहीं दिख रहा है जो भी कह रहे अंधकार का विषय क्या हो गया, क्या नहीं दिख रहा है पूछेंगे, तो अंधकार के वजह से क्या नहीं दिख रहा है, अंधकार के कारण ग्रह नहीं दिख रहा है, तो ग्रह अंधकार का विषय बन गया। प्रकाश डालेंगे तभी प्रकाश का विषय घर बनता है, तो अंधकार का विषय नहीं दिख रहा है, इसलिए अंधकार का विषय क्या बनेगा? घर बनेगा। तो घर जो अंधकार का आश्रय है वो उसका विषय भी बन रहा है अंधकार का,
वैसे क्यों नहीं हो सकता कि वृत्ति का आश्रय अंतकरण है किंतु विषय भी अंतकरण ही क्यों नहीं बन सकता करके पूछ रहे। एक दूसरा क्या है कि यथावा चैतन्यम एकम एव स्व अज्ञान से आश्रय विशेष भवति। और कहते देखिए आपका वेदांत, आपके वेदांत का ही उदाहरण देता हूं, कहता है पूर्व पक्षी क्या है, चैतन्य तो एक ही है, वो एक ही चैतन्य किसका, अज्ञान का आश्रय भी है। अज्ञान कहाँ है, चैतन्य में ही है। किसका अज्ञान है, चैतन्य का ही है। तो ब्रह्म का अज्ञान ब्रह्म में है और ब्रह्म का ही अज्ञान है, तो आश्रय भी अज्ञान का ब्रह्म, चैतन्य ब्रह्म चिद ब्रह्म ही बना और उसका विषय भी चिद ब्रह्म ही है। तो आपके सिद्धांत में ऐसा दोष है तो आप यहां क्यों दिखला रहे हैं। ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है, एवं एव अंतकरण अपनी स्वृत्ति आश्रय विशेष कुतः न स्यात् इति चेतन। तो समझाते हाँ ठीक है, चलिए आपने उदाहरण तो दे दिया, वो अभी समझिए पहले कि उदाहरण कैसे काम कर रहा है, वहां पे कैसे काम कर रहा है उसमें, और अंतकरण और अंतकरण की वृत्ति इसमें भिन्नता है। ये सिद्धांत ही कह रहा है न ऐसा नहीं है, ये उदाहरण काम नहीं करेगा। क्यों, कहते अभी ये थोड़ा सूक्ष्म है। देखिए गृह अंधकारवत यत्र आश्रय आश्रिणौ भिन्नौ भवतः तत्र एकस्य एव आश्रयत्वं विषयत्वं च स्यात्। ये नियम है, क्या नियम दिखला रहे कि जहां आपने उदाहरण दिया गृह अंधकार, तो वहां पे यत्र आश्रय आश्रिणो भिन्न, गृह आश्रय अंधकार आश्रयी है, आश्रय अस्य अस्ति इति आश्रयी, कौन आश्रयी है, अंधकार आश्रयी है। अंधकार का आश्रय कहां पर है, ग्रह में, कि घर में अंधेरा है। तो अंधेरा और ग्रह एक है क्या, घर एक है, घर और अंधेरा एक है क्या, नहीं है। कि घर भिन्न है अंधेरा भिन्न है, तब क्या होता है, कहते हैं जहां ऐसे आश्रय और आश्रय में भेद है भिन्न है, तत्र एकस्य एव आश्रयत्वं विषयत्वं च स्यात्। वहां पे क्या हो सकता है कि एक ही आश्रय भी हो सकता है विषय भी हो सकता है, जहां पे आश्रय और आश्रय भिन्न है वहां पे आश्रय विषय भी बन सकता है, क्योंकि क्या आश्रय ही भिन्न है, वो विषय बना सकता है उसको। अभी क्या कहते हैं, यत्र तु वन्नी तद आश्रित दाह शक्तिवद आश्रय आश्रयणु न भिन्नो भवता तत्र एकमेव वस्तु आश्रय विषयश्च न स्यात्। तो नियम क्या है, जहां पे हमने कौन सा उदाहरण दिया, दाह शक्ति का उदाहरण दिया, तो दाह शक्ति क्या है, ये दाह शक्ति अग्नि से भिन्न आप दिखा सकते हैं क्या, नहीं दिखा सकते। चलिए अग्नि दिखा दिए जी, जहां पे दाह शक्ति नहीं है वो भी नहीं कर सकते। तो क्या है कि तार्किकों को बताते हैं, तार्किक क्या कहते हैं, गुण है दाह शक्ति, गुण है दहन शक्ति जो है, जलाने की शक्ति जो है वो गुण है, अग्नि द्रव्य है, और द्रव्य और गुण में भेद बनाते हैं, कहते हैं कि द्रव्य और गुण में भेद है, गुण गुणीनो हो समवाय संबंध। तो कहते समवाय संबंध करके संबंध है वो गुण और गुणी के बीच में होता है। तो वहां पे सिद्धांत ही कहते हम तो ये सब नहीं मानते हैं, तर्क के लिए ठीक है हम तर्क की भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु आपका जो वस्तुतः दर्शन है वो नहीं मानते, क्योंकि गुण और गुणी कहने के लिए आपको गुणी में इन्हीं प्रत्यय लगा है, जो मतु प्रत्यय है गुण अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति मतुप या मतु प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय लगकर गुण के साथ इन्हीं प्रत्यय जुड़कर गुणीन करके प्रातिपदिक बना है। तो गुण और गुणीन में भेद बनाएंगे आप कि इसमें कोई गुण है, गुण गुणी में तब जाकर गुणी बनेगा, या इसके पास कोई गुण है तो गुणी बनेगा। ये तो दहन शक्ति और अग्नि में नहीं संभव है, क्यों, आप भिन्न भिन्न दिखाई नहीं पाएंगे, गुण और गुणी करके ऐसा कुछ है ही नहीं वस्तुतः। सिद्धांत में क्या है कि अंततो गत्वा गुण और गुणी का भेद नहीं बना सकते, और तर्कशास्त्र में क्या है, ये भेद ऐसा भेद हमें सदा रहेगा, सर्वदा रहेगा। वो भिन्नता दिखाते, भिन्नता के लिए प्रमाण है उनका, और वो कहते ये भिन्नता सदा रहेगी, ऐक्य गुण और गुणी में ऐक्य कभी नहीं हो सकता, और हम कहते हैं अंततोगत्वा आप गुण और गुणी भिन्न दिखाई नहीं सकते, दहन शक्ति को आप अग्नि के अग्नि से भिन्न नहीं दिखा सकते, और अग्नि दहन शक्ति से भिन्न नहीं दिखा सकते। वैसे ही क्या गुण गुणी में कभी भी भेद दिखाई नहीं सकते, तो वो दोनों एक ही है,
एक ही है, भिन्न भिन्न प्रकट हो रहे किंतु एक ही है। और अंततोगत्वा हम कहेंगे ये सब ब्रह्म ही है, इसकी प्रतीति अग्नि के रूप में भी हो रही है और दहन शक्ति के रूप में भी हो रही है, ये तो आगे चलकर। किंतु क्या है कि देखिए, यत्र तु वन्नी अग्नि और तदाश्रित, उसका आश्रित क्या है, दहन शक्ति है, दाह शक्ति है। वैसे शक्तिवत आश्रय आश्रित नो भिन्नो, दहन शक्ति और अग्नि भिन्न है ही नहीं, और जहां भिन्न है नहीं, न भिन्न भवता तत्र एकमेव वस्तु आश्रय विशेषण अस्या, वहां पे क्या है कि जो आश्रय है वो स्वयं ही है, वो दहन शक्ति क्या है, आश्रय भूत ही है, वस्तुतः भिन्न है ही नहीं। दहन शक्ति अग्नि से जुड़ी हुई नहीं है, अग्नि ही है, इसलिए अग्नि का दहन नहीं कर सकती क्योंकि एक ही है, वो कर्तृकर्म विरोध हो जाएगा। वैसे ही क्या है, प्रकृति च अंतकरण तदृत्योश्च भेद अभावात् न अंतकरणम सवृत्ते विषय भवति। इसीलिए क्या है कि अंतकरण की वृत्ति क्या है, अंतकरण ही है, अंतकरण का ही रूप वृत्ति में हो रहा है, उसका परिणाम वृत्ति है, तो अंतकरण ही है वो। इसीलिए क्या है कि वृत्ति, अपनी वृत्ति अपने ही रूप में होने के कारण, अंतकरण के रूप में होने के कारण उसका विषय अंतकरण नहीं बन पाता, किंतु आश्रय मात्र होते, आश्रय बन सकता है किंतु विषय नहीं बन सकता। उपादान कारण तो अंतकरण से सवृत्तिम प्रति, क्योंकि वो क्या उपादान कारण है, वो उपादान कारण है। जैसे आप देखिए, अन्य उदाहरण देता हूं, घट किससे बना है, मिट्टी से बना है, तो पूर्व पक्षी कह सकता है कि घट मिट्टी लाने के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते, घट का प्रयोग कर सकते, घट में मिट्टी डालकर मैं लेके आ सकता हूं, तो मिट्टी घट का विषय बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? तो उस पर सिद्धांत ही कहेगा, घट जिस मिट्टी से बनी है उस मिट्टी को तो नहीं ला सकते ना आप, घट से आप मिट्टी तो ला सकते हो, क्योंकि वो जो मिट्टी ला रहे हो वो उसका उपादान कारण नहीं, जो उसका उपादान है उसी मिट्टी को ला सकते हो क्या, आप नहीं ला सकते। इसीलिए क्या है कि अपने उपादान कारण होने के कारण घट जैसे अपने उपादान कारण मिट्टी को नहीं ला सकता, वैसे ही क्या है कि अंतकरण की वृत्ति का उपादान कारण अंतकरण है, इसीलिए उसको विषय नहीं बना पाता, वृत्ति बना नहीं पाती। ये हो गया एक यहाँ पे टिप्पण, यहाँ पे स्थगित कर देते हैं पाठ, अगले पाठ में देखें हम 58 पर थे। हाँ, तो ये समाप्त हो गया, 58 समाप्त है, 49 हम अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यं सुख प्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेव अन्नमत्वमिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, कोई प्रश्न है क्या? ठीक है।